खुश आमदीद 786 सिंपल आइडियाज़ में अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑरेंज की बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी। आपने इसमें करना क्या है, किन्नू भी ले सकते हैं, मौसम्बी भी ले सकते हैं, ठीक है। बीच में से हाफ करना है आपने इसको, बीच में से हाफ करके जिसमें जो जितने भी बीज हैं, छोटे बड़े मोटे छोटे सब जो हैं, इसमें से निकाल कर अलहदा कर लेना है, ठीक है। वरना इसकी वजह से हमारी जो रेसिपी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, और ये वाइट स्किन जो है ना इसमें, लेकिन बीच में देख सकते हैं आप कितनी सारी वाइट स्किन है। ये सारी जो है ना इसको आपने साफ़ कर लेनी है, वरना ये सारे ना ख़राब हो जाएगी रेसिपी, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से आप अलहदा कर लीजिए, और उसके बाद देखें बिल्कुल साफ़ कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें वाइट स्किन तो, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको पीसेस कर लेने, पीसेस करने के बाद हम इसको जूसर में ऐड करेंगे। जूसर में ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर चीनी। अगर आपका ऑरेंज किन्नू मौसम्बी जो है वो खट्टा है तो आप 2 चम्मच से ज़्यादा भी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम यूज़ करेंगे हाफ़ ग्लास से थोड़ा कम पानी यूज़ करने के बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा जी जनाब, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि बताइएगा कैसी बनी वीडियो। अब हम इसमें यूज़ करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, ठीक है। आप जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, मैं इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रेसिपी सामने आ सके, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करा, फ्राई पैन हमने मीडियम टू लो पे रखा और उसमें हमने इसको जूस को ऐड कर दिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर बॉईल आने तक कुक करेंगे, ठीक है। बॉईल आने के बाद 4 से 5 मिनट्स हमने इसको मीडियम टू लो पे रखना है, ठीक है। और इसको चम्मच चलाते जाना है। ये हमारा तैयार होकर बहुत ही मज़ेदार जेली बनेगी, ज़बरदस्त किस्म की, जो आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है। आप जो चाहें तो इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी लगा के, लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, ब्रेड पर लगा के, ठीक है, स्लाइसेस पे लगा के, या केक वगैरह पे भी लगा के दे सकते हैं, सैंडविच पर, और शाम के टाइम इवनिंग में भी आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। मतलब बच्चों की फेवरेट डिश हो जाएगी, पसंदीदा। और आप चाहे तो इसका पराठा भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं पराठे की रेसिपी आपके साथ इसकी शेयर करूंगी, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। देखिए किस तरीके से गाढ़ा सा हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, ठीक है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद हम किसी जार में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एयर टाइट जार में आपको इसको कन्वर्ट कर देना है, और थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधा घंटा एक घंटा आपने इसको प्रेस कर देना है, सही। उसके बाद आप इसको जैम बन गया, जेली बन गई, इस ऑरेंज स्प्रेड बन गया ये। अच्छा जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।